आपने अपने स्कूल टाइम में एक नारा जरूर सुना होगा जो पाकिस्तानी के लिए डेडिकेट करके हमारे स्कूलों में बोला या गाया जाता है कि आप दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, पर कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। पर इस डायलॉग के प्रचलित होने का कारण क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, बात है 1947 की, जब लाखों प्रयत्नों के बाद हमारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। पर हमारा भारत देश एक यूनाइटेड देश नहीं था, अलग अलग छोटी छोटी रियासतों के रूप में विभक्त था, जिसके कारण अंग्रेजों ने कहा कि जिस भी राजा को भारत या पाकिस्तान में मिलना हो वह मिल सकता है। और हिंदू मुस्लिम के हिसाब से इन देशों का बंटवारा कर दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे हिंदू राजा भारत में मिल गए, वहीं अधिकतर मुस्लिम राजा जाकर के पाकिस्तान मिल गए। पर कश्मीर के सामने समस्या थी, क्योंकि कश्मीर के राजा हिंदू थे और वहां की जनता मुस्लिम, जिसके कारण कश्मीर ने सोचा कि हम स्वतंत्र देश रहेंगे और एक अलग देश बनेंगे। भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर भी एक देश बनेगा। पर एक देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आर्मी, कॉइन, फ्लैग और बहुत सारी चीज़ें। चूंकि भारत और पाकिस्तान कश्मीर से बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए भारत पाकिस्तान की तुलना में कश्मीर के पास काफ़ी कम चीज़ें थी। इसी बात का पाकिस्तान ने फायदा उठाया। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को साधारण कपड़े पहना करके कश्मीर में घुसेड़ दिया और कश्मीर पर धीरे धीरे करके कब्जा करने लगा। जब कश्मीर के राजा हरि सिंह को यह बात का पता चला तो हरि सिंह ने पहले तो पाकिस्तान से मुकाबला करने की कोशिश की, पर जब उनको लगा कि हम अब पाकिस्तान से मुकाबला ना कर पाएंगे, तब उन्होंने आकर के भारत से मदद मांगी। भारत ने भी उनसे यह शर्त रखी कि यदि कश्मीर भारत में मिलेगा तभी जाके भारत उसकी मदद करेगा, जिसके कारण कश्मीर के राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और उन्होंने एक शर्त रखी कि कश्मीर को एक विशेष राज्य की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसका नाम था धारा 370, जो हाल ही में 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने हटा दी है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत की सेना चल दी कश्मीर में पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए। और उसी समय पर दुनिया में निर्माण हुआ था UNSC का, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मकसद था विश्व में शांति स्थापित करने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि यह अच्छा मौका है, हम जाकर के UNSC में अपना कश्मीर का मुद्दा रखते हैं और पाकिस्तान को पूरे कश्मीर से खाली करवाने के लिए कहते हैं। तब UNSC ने यह फैसला लिया कि वहां रेफरेंडम करा लिया जाए, अर्थात वोटिंग करा ली जाए कि वहां की जनता किस देश के साथ रहना चाहती है। पर इससे पहले भारत और पाकिस्तान के सैनिकों को अपने अपने देश में लौटना पड़ेगा, तो उस स्थिति में ना तो पाकिस्तान के सैनिक पाकिस्तान में गए, और जब पाकिस्तान के सैनिक पाकिस्तान में नहीं लौटे तो भारत के सैनिक भी भारत में नहीं लौटे, जिसके कारण आज तक का मुद्दा UNSC में अटका हुआ है। और जिस स्थिति में भारत कश्मीर में सुरक्षा करने के लिए पहुंचा था, आज तक उसी स्थिति में दोनों ओर के सैनिक खड़े हैं, और उसी को बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया गया है, और उसी का नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके कारण आज भी कश्मीर के 30% हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, और इसीलिए यह नारा प्रसिद्ध है। वैसे आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय।